उत्तराखंड राज्य के पंचम विधानसभा के पहले सत्र की कार्यवाही आज सुबह राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने राज्य सरकार के तमाम योजनाओं और नीतियों का बखान किया। राज्यपाल का अभिभाषण अनुपमा रावत ने महंगाई का मुद्दा उठा दिया, लेकिन कोई जवाब न मिलने के बाद अनुपमा रावत सदन से बाहर निकलकर सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गई। हालांकि अनुपमा रावत पहले ही अपने दुपट्टे पर महंगाई संबंधित बिंदु लिखकर लेकर आई थी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए अनुपमा रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, बावजूद इसके भारी बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई भाजपा सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हुई। डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम जनता के जेबों पर काफी असर पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि लगातार बढ़ रही महंगाई पर लगाम लगाए। बहुत पक्षपातपूर्ण हो रहा है और मुझे लगता है बिल्कुल खुल क्यों नहीं हो रहा है, क्या फिर क्यों किया जा रहा है, फिर एक ही क्षेत्र के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों है जो ग्रामीण के बिल्कुल हो सकता आप सीएम साहब से मिली थी अभी उन्होंने क्या बात? मैं मिलने गई थी लेकिन वे अंदर बैठे थे, मैं अभी इस परिपेक्ष में उनसे भी बात करूंगी। और मुझे क्योंकि मुख्यमंत्री हैं वो पूरे उत्तराखंड के हैं भाई, हमारे लिए भी हैं और हरिद्वार ग्रामीण के लिए भी हैं, और मैं उम्मीद रखती हूं कि वे इस तरीके का जो रवैया हरिद्वार ग्रामीण के साथ किया जा रहा है उसमें वो कोई ना कोई ठोस कदम लें और अधिकारी और जो अन्य कर्मचारी हैं उनको निर्देशित करें या आदेशित करें कि इस तरीके का ना किया जाए। ये लोकतंत्र की सरासर वहाँ जो है अवहेलना है, हत्या की जा रही है। देख ले उत्तराखंड में बिल्कुल कुछ नहीं किया जा रहा, कुछ नहीं दिया जा रहा। मैंडेट दिया है जनता ने तो हम कहते हैं कि सब्सिडी दीजिए, आप दीजिए हम आपका साथ देंगे। आपने जो भी काम पहले भी कहा, अगर सरकार कोई कार्य अच्छा करेगी तो विपक्ष उनके साथ अच्छे कार्य, क्योंकि बने तो सब जनता के आशीर्वाद से हैं, यहाँ पर प्रदेश की तरक्की के लिए ही बने, लेकिन अगर अनदेखी की जाएगी, सिर्फ गोल गोल बातों में घुमाया जाएगा और लोगों के हितों की रक्षा नहीं की जाएगी, अनदेखी करी जाएगी, तो हम विपक्ष की जो भूमिका है उससे भी पीछे नहीं। हमारे उसकी हमने हमारे ये कल हमारी मीटिंग हुई थी और जल्द ही जो है इसमें एक फैसला। मैम आप धरने में भी बैठे थे हरिद्वार ग्रामीण में, क्या मसला? अगर मैं हरिद्वार ग्रामीण के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, लगभग 17 दिन मुझे वहां से, वहां की जो मेरे परिवार के जन हैं उन लोगों ने मुझे चुनकर अपनी इस बेटी को यहां पर भेजा, विधानसभा में भेजा, लेकिन पूरी तरीके से जो कानून व्यवस्था है वहां ध्वस्त नजर आ रही है। सुबह से लेकर अगर मैं अपनी बात करूं, सुबह 4-5 बजे से लेकर रात के 2-2, 3-3 बजे तक आम जनता का, कांग्रेस के कार्यकर्ता, बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, उनके कॉल आते हैं कि उनको बेवजह जो है पुलिस के द्वारा बुलाया जा रहा है थाना चौकी में, और एक तरफा बिल्कुल पक्षपातपूर्ण जो है कार्रवाई हो रही है। मैंने जो आला अधिकारी थे उनको अवगत भी कराया चिट्ठी के माध्यम से, जो एक प्रक्रिया होती है उससे मैं चली, लेकिन जब मुझे लगा कि बिल्कुल कानों में रुई ठोस दी गई है और कुछ एक तरफा कार्य किया जा रहा है, तो मुझे बापू की प्रतिमा लेकर, उनकी तस्वीर लेकर थाने में बैठना पड़ा, क्योंकि मैं चुनी गई हूं तो आम जनता के आशीर्वाद से चुनी गई हूं, मैं चुनी गई हूं तो मेरे जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनके हितों को देखने के लिए, और अगर आम जनता के हितों के लिए और पार्टी, मेरे पार्टी कांग्रेस के वर्कर्स के हितों की अनदेखी की जाएगी तो मैं कभी भी अनुपमा रावत पीछे नहीं। ये आपकी विधानसभा में हमें उम्मीद थी कि आज आदरणीय महामहिम जी जब का जो अभिभाषण होगा उसमें जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो बेतहाशा बढ़ती महंगाई है जिससे आमजन का जीवन बिल्कुल पूरी तरीके से दुश्वार हो गया है, उसके लिए उनके द्वारा सरकार को सख्त आदेश दिए जाएंगे, लेकिन कहीं पर भी इस बढ़ती हुई महंगाई से जिससे आम जीवन का, जो जन का जीवन है वो त्रस्त हो चुका है, उसका कोई जिक्र नहीं था। आज देखिए कि गैस सिलेंडर 970 रुपए पार हो गया है, पेट्रोल 97 और वही डीजल जो है 90 के पार हो गया है। इन सब वजह से लोगों का आम जीवन जो है पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, महिलाओं के लिए घर चलाना, भोजन बनाना दुश्वार से दुश्वार हो रहा है, जो लोग काम पर जाते हैं वे कैसे जाएंगे जब इतना पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा, डीजल के दाम बढ़ने से जो और खाद्य पदार्थ हैं वो भी आसमान छू रहे हैं,
तो जनता के लिए, आम जन के लिए तो कोई काम ही नहीं है। तो विपक्ष में मैं, हम विधायक हैं और जनता के द्वारा आज हमें तो प्रदेश के लोकतंत्र के इस मंदिर में आने का अवसर मिला है। और मेरा ये उत्तरदायित्व था कि आज, पहले मुझे उम्मीद थी कि इस बेतहाशा बढ़ती महंगाई को लेकर कुछ ना कुछ कड़े जो हैं आदेश दिए जाएंगे, लेकिन नहीं। तो आज हमने इस बात को उठाया है और हम क्या विश्वास कर सकते हैं कि सरकार कम से कम प्रदेश में, जिसमें जिस प्रदेश ने, जिस देशतुल्य जनता ने ये मैंडेट बीजेपी को दिया है, उनके लिए कोई ना कोई ऐसे कदम उठाएगी जिससे चाहे हमारी बहनें हो, मातृशक्ति हो, चाहे आम जन का जीवन हो, वो थोड़ा सुखमयी और थोड़ा जो है उनको राहत मिल सके।